हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल की पार्ट टू में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, जिसमें क्या है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज जिसके एक्स डिस्टेंस पर टी पॉइंट पर क्यू नॉट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है और बी पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ध्यान देखें, इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल डिस्चार्ज एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट टी। इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में। इसका ध्यान देखें, इस चार्ज को हमें ले जाना है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं इस पॉइंट बी पर। इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने में जो वर्क हमें निकालना है, सबसे पहले उसके लिए हमने क्या किया है, दो पॉइंट ऐसे कंसीडर किया है पी और क्यू, जिनके बीच का डिस्टेंस डी एक्स है। यानी कि इस चार्ज को अगर हम पी से क्यू की तरफ ले जाएं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक हमें दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसी के इक्वल अमाउंट में फोर्स हो और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो अर्थात वो चार्ज क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत जाएगा। आप देखेंगे वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ऑन क्यू टू मूव फ्रॉम पी टू क्यू, यानी डी एस डिस्टेंस मूव कराने में वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। उस स्मॉल वर्क डन को करने में क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या लगा है, या इनटू डीएक्स। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव, जो एंगल होगा वह क्या होगा, 180 बनेगा। इसको हम निकाल सकते हैं डीडब्ल्यू, इसका वैल्यू देखेंगे तो 180 का मान रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यस का मान रखेंगे तो क्यू नॉट ई हो जाएगा इंटू डी एक्स। हमें स्मॉल वर्कडन पता हो गया, स्मॉल वर्कडन पता हो गया तो टोटल वर्कडन निकाल सकते हैं जो इन्फिनिटी से लेके कहां से जाएंगे, इस पॉइंट, मान लीजिए उस इन्फिनिटी पॉइंट को ए मान लेते हैं, या हम कह सकते हैं टोटल वर्कडन ऑन डिस्चार्ज क्यू नॉट टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वर्क डन इंटीग्रेशन हम डी डब्ल्यू करेंगे कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर करेंगे, इन्फिनिटी टू आर। तो इसका वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी टू आर, आप देखेंगे यहाँ वैल्यू हो जाएगा क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। ई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू हम निकाल देख सकते हैं, ई का वैल्यू होगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स। यहां से एक्स डिस्टेंस पे जो होगा का वैल्यू इतना होगा, यहां हम खुद कर सकते हैं इन्फिनिटी टू आर, क्यू नॉट ऑलरेडी पहले से है और क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी। इसी को और आगे सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आपका जो हो जाएगा वह बाहर हो जाएगा, आप ध्यान देखिए क्योंकि माइनस में है, माइनस आप पर लगा रहेगा,
बाहर क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर वाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, बचा का ब्रैकेट में इंफिनिटी टू आर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देखें एक पढ़ना आप जानते होंगे इंटीग्रेशन x पावर n का होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, उसके अकॉर्डिंग इसको जब करेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मतलब हम कह सकते हैं x पावर माइनस टू। यहाँ हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, अगर इसकी बात करें इसका, तो हो जाएगा x पावर प्लस वन करेंगे तो वन हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा अपॉन अपॉन माइनस वन। तो उसी हिसाब से इसको देखें माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमने क्या किया एक्स ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर माइनस टू और माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ देखें माइनस टू रखेंगे क्या जाएगा एक्स पावर माइनस वन, एक्स पावर माइनस वन अपॉन माइनस टू रखेंगे तो क्या जाएगा माइनस वन। आप ध्यान देखेंगे यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर माइनस वन, जब यहाँ माइनस जाएगा क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, अर्थात जब बराबर हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं क्या वन अपॉन एक्स, एक्स को नीचे ले जाएंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। तो क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यहां हो जाएगा वन अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो बचेगा वन अपॉन आर। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या डब्ल्यू इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। आप देखेंगे जो पोटेंशियल होता है वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसका अगर हम इसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर दें क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, या फिर हम कह सकते हैं वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये तो रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट नंबर थ्री मिलेंगे जहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वी ऑफ एग्जामिनेशन। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच।